शुद्ध, कोमल और तीव्र स्वरों में फर्क कैसे पता करें? तीन प्रकार के स्वर होते हैं। जब भी हम गायकी कर रहे हैं, अलंकार गा रहे हैं या कोई राग गा रहे हैं, तो ये तीन प्रकार के स्वर अगर लगते हैं तो हमें डिफरेंस नहीं मालूम चलता है कभी कभार, क्योंकि हम एक बिगिनर हैं। अगर तो तानपुरे पर अगर हम गायकी करते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि शुद्ध कौन सा स्वर है, तीव्र कैसे लगेगा और कोमल कैसे लगेगा। तो आज उस पर हम ज़रा सी चर्चा करने जा रहे हैं। आज थोड़ा बहुत कुछ टेक्निक्स मैं बताऊंगा जिससे कि हम उन तीन स्वरों में फ़र्क पता कर सकें। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कैसे पता करें शुद्ध, कोमल, तीव्र स्वरों में फ़र्क। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, द सिंगर्स कंपेनियन, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिसके जरिए घर बैठे आप बॉलीवुड, इंडियन क्लासिकल, कर्नाटक, वेस्टर्न, हर प्रकार का संगीत सीख सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी अपना मोबाइल उठाइए और डाउनलोड कीजिए इस बेहतरीन एप्लीकेशन को और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आँखों से कहलाना जरूरी है। वसीम बरेलवी साहब की लिखी हुई बहुत खूबसूरत गज़ल, कुछ साल पहले मैंने इसकी कंपोजिशन करी थी और YouTube पर ये अवेलेबल है, आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए दोबारा बात करते हैं उसी टॉपिक पर कि शुद्ध कोमल स्वर और तीव्र स्वर जो होते हैं, यानी शुद्ध और विकृत स्वर। विकृत उसको कहते हैं जो शुद्ध नहीं है, यानी थोड़ा टेढ़ा है ना, यानी कोमल और तीव्र। अब उनमें अगर फ़र्क मालूम करना हो तो क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमें एक लाइन याद करनी होगी, लाइन कहूँ या फिर उसे कहूँ एक सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, ABCDEFGS, ये जैसे अल्फ़ाबेट्स हैं, क ख ग घ, ये हमारी वर्णमाला है। उसी तरह से स्वरों में जो होता है, जो सीक्वेंस है, वो हमें समझना होगा, वो याद करना होगा। उससे क्या होगा, हमें मालूम चल जाएगा कि कौन से स्वर का स्थान कहाँ है। जैसे सा रे ग म प ध नी, ये सात तो आपको मालूम है, बड़े आसान है, सबको पता है कि सा रे ग म प ध नी ये सीक्वेंस होता है। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं और सीखते हैं कि इनके बीच में जो कोमल तीव्र के स्थान है वो कहाँ कहाँ पर हैं। तो अगर हम उस सारणी को याद कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हम किसी भी स्केल से अलंकार बजा सकते हैं, हारमोनियम पर और किसी भी इंस्ट्रूमेंट पर, है ना, हम पता कर पाएंगे। तो वो सारणी क्या है, सबसे पहले आता है सा, फिर जैसे कि रे आ रहा है सा के बाद, लेकिन सा और रे के बीच में एक स्वर होता है जिसे हम कहते हैं कोमल रे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कोमल और तीव्र में फ़र्क क्या है। कोमल शुद्ध स्वरों से हल्के से पहले होते हैं, कुछ श्रुतियाँ नीचे होगा। तीव्र स्वर जो है वो एक ही होता है, वो है मध्यम, वो उस स्वर से ऊपर होता है, थोड़ा तीखा होता है, चढ़ा हुआ होता है, तीव्र है थोड़ा, है ना। तो अब कोमल स्वर हो गए हमारे चार, रे ग ध नी। ये रे ग ध नी ये शुद्ध भी हैं और ये कोमल भी हैं। तो रे से हल्का सा पहले आएगा कोमल रे, ग से पहले आएगा कोमल ग, ध से पहले आएगा कोमल ध और नी से पहले आएगा कोमल नी, और म के बाद आता है हमारा तीव्र मध्यम, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि सात शुद्ध हैं, सा रे ग म प ध नी, चार कोमल हैं, रे ग ध नी, ये कोमल भी हैं और शुद्ध भी हैं, इसका भी हमें ख्याल रखना है, और तीव्र हमारे एक है जो कि है मध्यम। तो म शुद्ध भी है, म तीव्र भी है, तो ये टोटल हमारे 12 स्वर बनते हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है, सा और प ये दोनों स्वर अचल हैं, यानी इनका न तो कोई कोमल है न इनका कोई तीव्र है, ये सिर्फ और सिर्फ शुद्ध होते हैं, ठीक है। इनको अचल स्वर इसीलिए कहा जाता है कि अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, अपनी जगह से चलते नहीं हैं, ठीक है। तो अब इनका सीक्वेंस क्या रहता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आता है सा, फिर जैसे कि रे आ रहा है, सा और रे के बीच में आ गया, ये आ गया कोमल रे। अब सा रे ग,
अब रे और ग, मैंने कहा था ग से पहले कोमल ऋषभ, कोमल गंधार होता है, तो ये कोमल ग बीच में आ गया रे और ग के, फिर आ गया तुरंत म, फिर म और प के बीच में, क्योंकि मैंने बोला म के बाद आता है तीव्र म, तो म और प के बीच में आ गया तीव्र म, फिर प और ध के बीच में आया कोमल ध, क्योंकि शुद्ध ध से हल्का सा पहले है, फिर ध और नी के बीच में आया कोमल नी, क्योंकि शुद्ध नी से हल्का सा पहले है, तो ये 12 स्वर हमारे हो गए, सा कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और शुद्ध नी। तो ये तो हमने 12 स्वर समझ लिए। अब आता है बात कि ये तो इनका स्थान कहाँ कहाँ है उसका फर्क हमें मालूम चला है अभी। अब हमें ये भी जानना है कि इनको गाते समय इनका फर्क है ना, उसको कैसे लगाते हैं, उन कोमल स्वरों को कैसे लगाना है और शुद्ध स्वरों को कैसे लगाना, उसमें क्या फर्क है ना। तो आप ये सुनिए एक बार, मैं आपको गा के बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो हम ये समझ लें, तानपुरा जब बज रहा है तो तानपुरे में सा बज रहा है और प बज रहा है। तानपुरे भी तीन प्रकार से बजते हैं, प सा सा, म सा सा और नी सा सा, है ना। प मंद्र का, या फिर मध्यम बजा तो मध्यम भी मंद्र का, और निषाद बजा तो वो भी मंद्र का ही लगेगा, यानी लोअर ऑक्टेव का, वो पहले बजता है। फिर मध्य के दो सा बजते हैं ना, जोड़ के, जिनको तार कहते हैं, तानपुरे में चार तार होते हैं क्योंकि, तो सा सा और फिर आखिरी आखिरी जो है वो खरज का तार लगता है, जो कि मंद्र सप्तक का सा है, तो प सा 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 ऐसे लगता है, या म सा सा सा, है ना। तो कुल मिला के इसमें आपको जो स्वर मालूम चल रहे हैं वो सा और प है, वो सुनाई दे रहा है, तो उन्हीं के बेसिस पे हमें बाकी के स्वर लगाने होते हैं। तो सा और प, मैं पहली गाली से अभी आपको बता रहा हूं, ये सा प सुनाई दे रहा है, है ना, ये प और सा है, ये हमें सुनाई देता है। तो हम सा को समझ लें पहले, तो सा सुनाई दे रहा है, तो सा लगाएं साथ में, सा, फिर हम इसी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे तो सा रे ग, ये हमारे शुद्ध स्वर जा रहे हैं, सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, ये तो हमारे सातों शुद्ध स्वर हो गए। अब हमें एक एक करके कोमल को समझना होगा, सा रे सा रे, ये पहले मैंने सा रे शुद्ध लगाया, फिर मैंने सा रे कोमल लगाया, सा रे सा रे। हमें ये देखना होगा कि जितने भी कोमल स्वर होंगे वो उन शुद्ध स्वरों से हल्के से उतरे हुए महसूस होंगे, है ना। आप जब उनको लगाएंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा, सा रे सा रे, है ना, सा ग सा ग, है ना, सा ग सा ग, है ना। पहले ऐसे कोशिश करें कि एक एक स्वर को लगाते हुए फिर उसका कोमल बनाने की कोशिश करें, सा रे सा रे सा रे ग सा रे ग, है ना। आप महसूस करें, ये रे है अगर सा रे, तो इससे हल्का सा उतरा सा रे, है ना। अगर इसको हम कॉन्सिक्यूटिवली जाएं एक के बाद एक, तो सा रे रे ग ग सा रे रे ग ग। अब देखने वाली बात यह होती है, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं, जब भी हम कोमल स्वरों को लगाते हैं किसी राग में, तो ये देखिए कि राग के अनुसार उसका जो उसका जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो बदलता है, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोमल ऋषभ वही भैरवी का भी हो और वही भैरव का भी हो, तो वही तोड़ी का भी हो तो वही बिलास खानी तोड़ी का भी हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। सबके स्वर जो हैं वो अलग अलग लगते हैं, है ना, हल्का सा कोई चढ़ा होगा कोई उतरा होगा। तो हमें बेसिक रियाज जो है एक बार वो 10 थाटों का अगर हम कर लें, है ना, 10 थाट अगर हम सीख लें, बिलावल, भैरवी, कल्याण, है ना, ये जो थाट होते हैं हमारे 10, भैरव, काफ़ी, खमाज, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ये जो 10 थाट हैं अगर इन्हें हमने अच्छे से रियाज किया है तो कोमल, शुद्ध, इन सारे स्वरों का रियाज हो जाता है। तो फिर क्या होता है, राग के अकॉर्डिंग हम उसके चलन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, सा मा
सामा, यह हल्का सा तीखा है। सा पा पा मा पा मा, ये शुद्ध मा है। मा पा पा, अब इन दोनों के बीच में मा पा मा है ना, मा मा पा, ये आपने देखा। दो स्वर होते हैं जिनके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा ख्याल रखना है, पर एक छोटी सी टिप है कि तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद, इन दो स्वरों में हल्की सी नेजल साउंड होती है, यानी हल्का सा नाक का साउंड होगा। कैसे होगा? सा पा मा पा सा मा सा पा मा, हल्का सा नाक का साउंड अगर आप लाते हैं तो ये थोड़ा एक्यूरेट लगता है। साधा साधा धा पा पा धा पा धा, ये प शुद्ध है, ये ध शुद्ध है, पा धा धा है ना। मैंने देखा कैसे हल्का सा उतार लिया, तो ये हल्के हल्के उतरे उतरे जो स्वर हैं ये हमारे कोमल स्वर होते हैं। पा धा धा, ठीक है, फिर कोमल नी पे आते हैं। पानी, ये नी ये शुद्ध नी है, पानी ये कोमल नी है, पानी पासा नी 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 सा है ना। तो सारणी कैसे गई हमारी? सा रे रे ग ग मा मा पा दा दा नी नी। लेकिन इनको हमें ऐसे भी रियाज कर सकते हैं, कॉन्सिक्यूटिव भी कर सकते हैं, और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि 10 थाटों का रियाज करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उसमें समझ पाएंगे कि चलन के अनुसार हम कैसे लगाएंगे, है ना। जब हम कोई राग सीखेंगे तो उसमें हो सकता है उस कोमल ऋषभ को लगाने का तरीका अलग हो और दूसरी राग में अलग हो, तो वो भी एक बात होती है, वो भी हमें ख्याल रखना है कि राग अनुसार जो है हमारे स्वरों का जो फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। किसी में वो अधिक कोमल लगता है ना, किसी में वो कम कोमल लगेगा, है ना, हो सकता है किसी में वो एक्स्ट्रा लगे कोमल, और कुछ में तो शुद्ध स्वर भी थोड़े चढ़े हुए लगते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि तोड़ी है, तोड़ी का जो ऋषभ है वो अलग लगता है, गंधार अलग लगता है, और बिलास खानी तोड़ी का अलग लगता है ना, भैरवी का अलग लगता है, तो इसमें थोड़े थोड़े से फ़र्क होते हैं। तो खैर, मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज आपको जो करनी है वो है 10 थाटों का रियाज करना, यानी एक के बाद एक। सारे ग म प ध नी सा, सा नी द प म ग रे सा, स्विच। सारे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा, सारे ग म प ध नी सा, है ना, ये कल्याण गया। सारे ग म प ध नी सा, भैरव। सारे ग म प ध नी सा, ये काफी था। सारे ग म प ध नी सा, ये खमाज। सारे ग म प ध नी सा, ये आसावरी। सारे ग म प ध नी सा, ये मारवा गया। सारे ग म प ध नी सा, ये पूर्वी। सारे ग म प ध नी सा, ये तोड़ी गया। तो ऐसे ही 10 थाटों का रियाज करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ वीडियोस मैंने 10 थाटों के रियाज पर बनाए हुए हैं, ठीक है, तो उनको देखिएगा और सीखिएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, कुछ ना कुछ मैं नया नया टॉपिक आपके लिए, सभी के लिए लाता रहूंगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें।